नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ओम प्रकाश खारोल शाकंभरी ट्रैक्टर सर्विस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील में कौन कौन से बेयरिंग लगते हैं। दोस्तों आज अपन सोनालिका, महिंद्रा, फार्मट्रेक, मेसी, आइसर, न्यू होलैंड, स्वराज, इंडोफार्म, HMT इन ट्रैक्टर में के फ्रंट व्हील में कौन कौन से बेयरिंग लगते हैं उनकी बात करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों मोस्टली महिंद्रा फार्मट्रेक में 1988 और 48548 जो बेयरिंग है वो कॉमनली यूज़ होने वाला है, रनिंग बेयरिंग है, मोस्टली ट्रैक्टर में यही यूज़ होता है। दोस्तों महिंद्रा ट्रैक्टर के आउटर में जो बेयरिंग लगता है, हब के आउटर में, आउटर वाले पार्ट में 1988 नंबर लगता है दोस्तों, और इनर पार्ट में 48548 बेयरिंग लगता है। ये नीचे महिंद्रा का बेयरिंग है, इस पर महिंद्रा के पार्ट नंबर है, लेकिन इसके अंदर जो बेयरिंग निकलेगा उस पर नंबर 48548 ही होंगे, जो भी इसका ब्रांड होगा। इसमें शायद NBC का बेयरिंग निकलता है अंदर। तो ये महिंद्रा के 265 मॉडल, 255 DI, 475 DI, 575 DI लगभग इन सभी ट्रैक्टर में ये 1988 आउटर और 48548 इनर बेयरिंग यूज़ होता है इनके हब में। ये रनिंग बेयरिंग है दोस्तों। इसी तरह फार्मट्रेक में, फार्मट्रेक के 30-35 और फार्मट्रेक 45 मॉडल में और 50 मॉडल में आउटर में 1988 और 48548 इनर में यूज़ होता है दोस्तों। तो ये कॉमनली महिंद्रा और फार्मट्रेक में लगभग ये सेम ही यूज़ होता है ये बेयरिंग लगभग ट्रैक्टर में अधिकतर। और आगे अपन बात करेंगे एस्कॉर्ट कंपनी के ही, जो इसका ही एक पावरट्रेक नाम से ट्रैक्टर है उसकी बात करेंगे। तो पावरट्रेक के E325, E335, E335 DB, E335, E33P, E430, E440, E440 PT और E335 इन सब में जिसके आउटर में 30-20-5 बेयरिंग लगता है दोस्तों, और इसके इनर में 30-20-7 बेयरिंग यूज़ होता है। 30-20-7 अभी अवेलेबल नहीं तो हम दिखा नहीं पा रहे, बाकी इन ट्रैक्टर के आउटर में 30-20-5 बेयरिंग लगता है और इनर में 30-20-7 लगता है। एक अलग मॉडल 430XL और 435 और E435XL, इसके आउटर में 1988 और इनर में 48548 बेयरिंग लगता है दोस्तों। और पावरटेक का एक मॉडल और है 440XL और E450XL, इसके आउटर में 30-20-6 और इनर में 30-30-7 बेयरिंग लगता है। वो अवेलेबल नहीं है दोस्तों, लेकिन ये उसके नंबर है दोस्तों, ये 48548 और 1988। तो 1988 430XL और 435 PT और 435XL में आउटर के रूप में 1988 और इनर के रूप में 48548 यूज़ होता है। तो इस प्रकार पावर ट्रैक का हो गया। अब अपन बात करेंगे दोस्तों मेसी ट्रैक्टर, मेसी के टेफे 1035 DI और 1035 और 241 में दोस्तों लगभग अधिकतर 09067 नंबर जो आउटर में यूज़ होता है दोस्तों, और इनर में 48548 यूज़ होता है, और कुछ एक हब में 11949 बेयरिंग भी यूज़ होता है दोस्तों आउटर में। आउटर में 11949 और 09067 दोनों ही यूज़ होते हैं दोस्तों, और इनर में 48548 यूज़ होता है। और 19 स्वराज ट्रैक्टर की बात करेंगे तो स्वराज के आउटर में 1988 बेयरिंग लगता है दोस्तों, और इसके इनर में 25877 नंबर का बेयरिंग यूज़ होता है। ये स्वराज के 855 पंजाब ट्रैक्टर, स्वराज का 724, 733, 735, 834 और 744 मॉडल में ये बेयरिंग यूज़ होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से स्वराज ट्रैक्टर के सारे मॉडल में 1988 और 25877 लगभग सारे मॉडल में ये बेयरिंग यूज़ होते हैं 1988 और 25877। आगे HMT ट्रैक्टर की बात करेंगे तो HMT के आउटर में 30-30-5 और इनर में 32208 बेयरिंग लगता है, जो वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 30-30-5 आउटर में और इनर में 32208।
बेरिंग यूज होता है। ये HMT के 2511, 3511 जेटर और 5911 में यूज होता है। आगे बात करेंगे 1988 और 25870, ये बेरिंग है जो इंडोर फार्म ट्रैक्टर में यूज होते हैं। इंडोर फार्म के आउटर में 1988 बेरिंग यूज होता है दोस्तों, और इंडोर फार्म ट्रैक्टर के इनर में 25877 फ्रंट व्हील के इनर में यूज होता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे आयसर ट्रैक्टर की। आयसर के जो आउटर में 30-30-5 बेरिंग यूज होता है दोस्तों, और इनर में 32-207 यूज होता है। ये आयसर के 241, 242, 312, 364, 380 और 485 मॉडल में मोस्टली कॉमनली यूज होने वाला बेरिंग है दोस्तों। ये रनिंग बेरिंग है दोस्तों, देख सकते हैं अधिकतर मॉडल में यही बेरिंग यूज होता है। तो अपन आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ये आज अपन ने बेरिंग का पूरा बताया है आयसर ट्रैक्टर और बाकी सब ट्रैक्टर का। नेक्स्ट आगे अपन सोनालिका ट्रैक्टर की बात करेंगे। तो सोनालिका के जो 35 सोनालिका 740, 740 थर्ड, 750 सेकंड के फ्रंट व्हील के हब के आउटर में 32208 बेरिंग लगता है दोस्तों, और इनर में 32206 बेरिंग यूज होता है। और सोनालिका का ही मॉडल है 7590 और 611, इनके आउटर में 32206 और 32208 दोनों में से कोई भी एक यूज होता है, और इनर में 32007X ये यूज होता है दोस्तों बेरिंग फ्रंट व्हील में। तो आपको याद रह गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यू ऑलैंड ट्रैक्टर है, न्यू ऑलैंड के आउटर में दोस्तों 48548 यूज़ होता है दोस्तों, और इनर में 50-13-49 बेरिंग यूज़ होता है दोस्तों। इसका NBC नंबर अभी चेंज हो गया है, 50-13-49 का बेरिंग 5446-6C नाम से आ रहा है NBC में, और बाकी पहले 50-13-49 नाम से ही आता था, इसके नंबर अभी कन्वर्ट हो गए NBC में। तो ये दोनों ही पड़े डिलक्स का और NBC के आप देख सकते हैं, और 48548 टैक्स पिन में हमारे पास जो मौजूद है उसका बताया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे दोस्तों। जो हमारे पास अवेलेबल थे उनकी जानकारी भी दी थी, जो नहीं थे उनकी भी हमने जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ट्रैक्टर का फ्रंट व्हील में कौन कौन से बेरिंग होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। बहुत सारे हमें इसके कमेंट भी आए थे कि कौन सा बेरिंग कहाँ लगता है, तो इसलिए हमने आज पूरा वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इस तरह से जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हमारे जो हम बता सकते थे वो पूरा बताने का कोशिश किया दोस्तों। ये हमारे किसान भाइयों के लिए ताकि उनको कहीं भटकना ना पड़े, और इसलिए हमने ये वीडियो बनाया दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।